इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमशेद अरसलान, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और अगर बात की जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं सालिम हबीब यूनिवर्सिटी के। इसके साथ साथ हमारे दूसरे जो गेस्ट हैं वो राशिद एजाज साहब, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि फाउंडेशन एक है जो कि रिसर्च माइंड्स ऐसा ही है, वही फाउंडर है रिसर्च माइंड के। और इनसे भी रिसर्च माइंड के हवाले से बहुत बात होगी। और ज़ाहिर है रिसर्च के हवाले से हम देख रहे हैं, रिसर्च माइंड एक ऑर्गेनाइजेशन है मेरे ख्याल से जिसके लिए आप लोग काम करें, रिसर्च के लिए काम करें बेसिकली। तो ये काम आप लोगों ने अभी शुरू किया या बहुत पहले से स्टार्ट किया था, क्या सिलसिला चल रहा है इसके लिए? इस पे इसको तकरीबन एक साल हो गया है। तो इसकी अम्ब्रेला में हमने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाके स्कूल्स में कॉलेजेस में उनको जाके मोटिवेट किया है कि आप डिफरेंट किस्म के रिसर्च प्रोजेक्ट्स बनाएं। और अभी हमारा फ्यूचर में भी इस तरह का प्लान है कि शॉर्ट टर्म इस तरह के प्लान्स हैं कि हम अपनी वेबसाइट्स लॉन्च करेंगे, उसके साथ साथ डिफरेंट स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जो लोग ऑलरेडी रिसर्च पे काम कर रहे हैं, एक तो वो और दूसरा जो उनके प्रपोज प्रोजेक्ट्स हैं वो लेके आएंगे जिसको आवाम देखेगी। और उसके अलावा हम ऐसा चाहेंगे कि इंडस्ट्री से उसका ऐसा लिंक हो कि लोग उन प्रोजेक्ट्स को फंड भी करना चाहें, क्योंकि हमारा मोटो है रिसर्च एंड साइंस फॉर एवरीवन। जबरदस्त, ठीक हो गया। अगर मैं आपको कहूं कि बिल्कुल आसान अल्फाज में बताइए कि व्हाट इज माइंड रिसर्च, तो फिर क्या कहेंगे आप? रिसर्च माइंड बेसिकली ये जो साइंस है ना, साइंस ही की एक शाख, रिसर्च और साइंस मिलता जुलता है, ठीक है। ये बेसिकली इल्मुल फितरत है। इल्मुल फितरत से ये मुराद है कि आप अपने इस स्टूडियो में या अपनी जात में भी जो भी चीज आप देखना चाहते हैं वो काम कैसे करती है, तो उसका जो नॉलेज है उसको हम साइंस कहते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जब रिसर्च की बात आ रही है तो अब आजकल सबसे ज़्यादा एक चीज़ इन हो चुकी है जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। क्या इसका कोई अमल दखल रिसर्च के अंदर है या इसकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है? इसकी वजह से नुकसान इस लिहाज से हो सकता है कि आप बिल्कुल इसके डिपेंडेंट हो जाए, फिर तो नुकसान है, ठीक है। लेकिन हमारा रिसर्च माइंड इसको बेनिफिट में लाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने चैट जीपीटी, जेमिनाई या गूगल के डिफरेंट टूल्स यूज करके कुछ एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया, राइट? तो रिसर्च माइंड की अम्ब्रेला में आप वो प्रोजेक्ट जो बनाना होगा ना, उसकी हेल्प तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अंदर से कोई रोबोट तो नहीं निकलेगा, तो वो तो स्टूडेंट्स ने और रिसर्चर्स ने खुद करना होगा। सही, तो हम भी इसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प जरूर लें, हेल्प देगा हमें, लेकिन हमने उससे लेजी नहीं होना ताकि वो हमें नुकसान ना दे। और वैसे भी अल्लाह ताला ने हम तमाम लोगों को अशरफुल मखलूकात बनाया, तो वाकई में हमारा सोचने समझने की सूझबूझ बहुत ज्यादा है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है रिसर्च माइंड, तो आप इसके फाउंडर हैं, बनाई है आपने, आपको क्या क्या ये ख्याल आया और क्यों ये ख्याल आया? स्पेशली जिस मुल्क में आप ये बना रहे हैं वहां पर तो तहकीक करना, क्वेश्चन करना, तजस्सुस होना मना कर दिया जाता है ना, कि बहुत ज्यादा तजस्सुस में ना पढ़ो, बहुत ज्यादा तहकीक ना करो, उसमें माइंड रिसर्च पे आप काम करें तो जरूर कोई डिफिकल्टी तो उस वक्त आई होंगी। और अभी भी लोगों को लेकर आना, अभी भी हम बहुत मॉडर्न हो गए, बहुत सारी चीजों को हम जानना चाहते हैं, लेकिन अगर अम्मा अब्बा के साथ बैठेंगे तो कहेंगे ज्यादा सवाल नहीं, बस ठीक है हो गया, तुम अपना काम करो, दो जमा दो ही करो बस। तो ये आपको आइडिया क्यों आया? अच्छा, रिसर्च माइंड्स का जो आइडिया है वो ऐसे आया कि शुरू से ही मतलब मेरा ड्रीम था कि मैं पाकिस्तान की खिदमत करूँ या यहाँ के लोगों की खिदमत करूँ और सोसाइटी में अपना कॉन्ट्रीब्यूट करूँ, कॉन्ट्रीब्यूशन सोसाइटी के अंदर। तो उसमें जैसे मैंने फिर फार्म डी प्रोग्राम यहाँ पे ज्वाइन किया सलीम अबी यूनिवर्सिटी में, देन शुरू से मतलब मैं यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, एक रिसर्च माइंड, एक नॉन रिसर्च माइंड। अच्छा, ओके, गुड, ठीक है। तो उसमें वेरी इनिशियल स्टेज पे मुझे कोई आइडिया नहीं था रिसर्च का और मतलब इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, तो देन उस पर शुरू से मतलब हमारे जो गाइडर हैं, मेंटोर हैं, वो डॉक्टर जमशेद अरसलान साहब हैं, तो उन्होंने हमें मतलब शुरू से गाइड किया और मैंने मतलब जितने भी प्रोजेक्ट्स किए रिसर्च के अंदर, तो वो इन्हीं की वजह से है और सारा क्रेडिट इनको जाता है उसका। लाइक आज हमने अगर रिसर्च माइंड बनाई है तो उसके पीछे एक वीएन यही था कि हम मतलब कंट्रीब्यूट करें। फिर हमने देखा कि अच्छा, हमारे कंट्री के अंदर जो है ना वो रिसर्च रिलेटेड चीज़ें मतलब नहीं है और इसको प्रमोट नहीं किया जाता, फंडिंग नहीं है और मतलब ये वाली सारी चीज़ें इससे रिलेटेड। तो फिर मैंने रिसर्च माइंड्स को लॉन्च किया। उसके बाद हमने जो है ना इवेंट्स कराए, कुछ वर्कशॉप्स कराई, हमने डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरीज पे इवेंट कराया, वहाँ पे हमने एमओयू भी साइन किया डॉक्टर इरम के साथ। आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर इरम एज वेल। और उसके अलावा मैं अब रिसर्च माइंड्स का जो वीजन है और मिशन है, इसको मेट्रो वन न्यूज़ पे लाने में एक बहुत अहम किरदार है मिस ऐशा नाज का, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसमें ये कि जब हमने सोचा कि एक प्रपोजल बनाया कि हम रिसर्च माइंड्स को लेके आए मीडिया पे, उसकी वजह ये थी मीडिया पे लाने की, क्योंकि जो हमने फर्दर आगे प्लान किया हुआ रिसर्च माइंड्स का, तो उसमें प्लानिंग ही ऐसी है कि सबसे पहले बल्कि मैं वीएन इसका बताता हूँ। वीएन हमारा ये है कि हमने कंट्री की बेटरमेंट के लिए काम करना है, कंट्री को रिसर्च में एम्पावर करना है। वो कैसे एम्पावर करना है कि जो हमारी यंग पॉपुलेशन है, जो यंग माइंड्स हैं, उनको हमने गाइड करना है, इंस्पायर करना है
टू कैटलाइज द इनोवेशन इन पाकिस्तान, और इसको हमने अचीव कैसे करना है, फिर देन कम्स द मिशन कि आपका अगर ये विजन है तो आप इसको अचीव कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम ऑलरेडी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ पे काम कर रहे हैं, और इसी को लेके हमने लाइक दिस इज लॉन्चिंग सेरेमनी सम सॉर्ट ऑफ, कि हम मतलब इसका शो लॉन्च कर रहे हैं कि जो हमारे नेक्स्ट एपिसोड्स होंगे वो ऐसे होंगे कि हमारे स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे मेन स्ट्रीम मीडिया पे। तो जब ये चीज़ें मेन स्ट्रीम मीडिया पे आएंगी तो ऑब्वियसली जब एक स्टूडेंट देखेगा स्कूल से कि एक स्टूडेंट जो है ना वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहा है, तो उससे 10 और स्टूडेंट इंस्पायर होंगे। तो इससे क्या होगा कि कंट्री के अंदर रिसर्च कल्चर आएगा। तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेन विजन था, जो कि अचीव ही ऐसे होगा कि जब चीज़ें मेन स्ट्रीम पे आएंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंट्री में गैप है, इस तरह की चीज़ें मेन स्ट्रीम पे नहीं आती कि आप कोई साइंस की बात या रिसर्च की बात, इनोवेशन की बात, इस तरह की चीज़ें हमारे किसी भी चैनल पर नहीं आती मेन स्ट्रीम। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जब हमने ये प्रपोजल बनाया और वी वर थिंकिंग कि हम अब मतलब कैसे मीडिया की तरफ आएँ और सारी चीज़ें, तो उसमें थोड़ा सा रास्ता नजर भी आ रहा था पर डाउट्स का एक जो है ना वो बादल था, धुंधला था। तो उसमें ये है कि हमने शुरू से गाइड किया मिस ऐशा नाज़ ने, और उन्होंने कनेक्ट करा, एंड आई एम हम रिसर्च माइंड जो है ना वो दिल की अता गहराइयों से उनका शुक्रगुजार हूं। अरे हम देख रहे हैं कि लैब्स में बड़ा यहाँ पाकिस्तान में तो हमें नज़र ही नहीं आती। पाकिस्तान से जो लोग पढ़ के बाहर जा रहे होते हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, फिर बाहर जाके वो रिसर्च कर रहे होते हैं, तो यहाँ तो रिसर्च लैब्स का इतना फुकदान है, ऐसे में ये कितना बड़ा चैलेंज होगा आप लोगों के लिए? हाँ, ये आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसके लिए हम कोलैबोरेशन पे बिलीव करते हैं कि कोई भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है वो किसी सिंगल मैन वर्क कभी भी नहीं होता। तो उसके लिए जैसे कि मैंने अर्ज़ किया ना कि हम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के जब स्टूडेंट्स आके यहाँ पे मीडिया पे एक अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करेंगे तो हो सकता है कि वो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के, किसी और बंदे के जो इन पॉइंट्स पे सोच रहा हो वो उसको फंड करने का सोचे, ठीक है। तो कोलैबोरेशन से काम चलेगा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बच्चों के लिए जैसे हम कहते हैं कि प्रोग्राम्स आ जाते हैं, जिस तरह हम लोग पहले भी देखे टैलेंट हंट प्रोग्राम आया, हमने देखा अच्छा, कि बच्चे में कोई एक्टिविटी है, अगर कोई रिसर्च करके लेकर आता है बच्चा, तो क्या कोई इनाम विनाम शो भी कुछ इस तरह का करेंगे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए? हाँ, ये हमारे मीडियम टू लॉन्ग टर्म गोल्स में इस तरह की चीज़ है कि देखिए प्रोजेक्ट्स तो आपके पास बहुत सारे आते हैं, उसकी वर्थ देखने के लिए रिसर्च माइंड की एक टीम है जो कि उसको एनालाइज करेगी, उसकी मार्केट वैल्यू देखेगी। जिस तरह के राशिद ने अर्ज किया कि हमारा मेन मकसद यह है कि हम अपने मुल्क को सर्व करें, तो हमारे यहाँ इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो आपका प्रोजेक्ट इस लिहाज से देखा जाएगा कि उसकी हमारे मुल्क को कितनी ज़रूरत है, तो उस हिसाब से फिर उसको फिर हम जो है ना फंडिंग का और उसको आगे लेके जाने का, उसको मार्केट तक लेके जाने का, ये हमारे मीडियम टू लॉन्ग टर्म गोल्स में है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, रिसर्च सेंटर बनाना कोई आसान बात नहीं है, इसीलिए दुनिया जाती है बाहर रिसर्च करने। तो ये तो सिर्फ एक स्कूल या कोई आप ऑर्गेनाइजेशन, मुझे लगता है कि इसको गवर्नमेंट लेवल पर आया जाएगा तब शायद वो स्टैंडर्ड होगा काम का, कि लोग हमारे पास भी शायद रिसर्च के लिए आएंगे, ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल हो सकता है, और ये हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स में आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी आपको तब फंड करती है जब वो आपके अंदर पोटेंशियल देखती है। बिल्कुल। हाँ। वादे तो हर कोई करता है, जब हम करके दिखाएंगे, अभी हमने जो बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स किए तो उसके बाद वी वर कॉन्फिडेंट कि अब हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे आएंगे, तो हम अपने काफी सारे शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव कर चुके हैं, तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आप आने वाले 5 सालों में शायद देख लेंगे कि आप जो अभी कह रही थी ना कि गवर्नमेंटल लेवल पे इंशाल्लाह, तो हो सकता है इतनी बड़ी बड़ी चीजें तो ऐसे नहीं हो सकती, आप बिल्कुल इंशाल्लाह इतनी ही दुआ है कि इंशाल्लाह जरूर कामयाबी होगी, क्योंकि जारी एक अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें आसानी भी होती है। माइंड रिसर्च नाम रखा आपने इस, मैं इसको ऑर्गेनाइजेशन कहूँ, रिसर्च सेंटर कहूँ, क्या कहूँ, वो जो आप बेहतर बताएंगे, लेकिन सुनने से माइंड रिसर्च ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ साइंस पे काम नहीं हो रहा, पूरे माइंड पे काम हो रहा है, तो ये ऐसा मुझे लग रहा है। अगर गलत लग रहा है तो वो भी बताइएगा, तस्दीक कीजिएगा, और सही है तो फिर किस तरह से सही है जरा उसको भी अच्छे अंदाज में। नहीं बिल्कुल, रिसर्च माइंड्स जो है ये एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें जैसे हम अभी शो लॉन्च कर रहे हैं तो उसका नेम भी हमने यही रखा कि साइंस फॉर एवरीवन। अच्छा, ठीक है। और जो आपने बात की, ना सिर्फ रिसर्च पे काम हो रहा है बल्कि माइंड पे काम हो रहा है, दिस इज ट्रू इन अ सेंस कि जैसे मैंने पहले अर्ज की कि देयर इज अ वन रिसर्च माइंड एंड देयर इज अ नॉन रिसर्च माइंड, ठीक है। तो इसीलिए मेन स्ट्रीम पे लाने का मकसद भी यही है, इसको स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स को फ्रॉम स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, और हमारा स्कूल्स और कॉलेजेस पे काम करने का मिशन भी यही है इसमें, कि जब हम वेरी बिगिनिंग मतलब शुरू से काम करेंगे तो उसमें ये होगा कि जब वो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी लेवल तक आएगा तो उसका एक नॉर्मल माइंड जो है ना विल बी कन्वर्टेड इनटू इंक्वायरी वाला माइंड, मतलब वो लॉजिकली चीज़ों को थिंक करेगा, सोचेगा और रिसर्च करेगा, देन वो जो है ना एक नॉन रिसर्च माइंड विल बी कन्वर्टेड इनटू अ रिसर्च माइंड। तो दिस इज द होल प्रोसेस जिसके जरिए मतलब ये होगा। अच्छा, ये यही मेरा सवाल था कि आप एक तो ऐसे माइंड डेवलप किए जा रहे हैं
जिनको रिसर्च करने का शौक हो या उनको उनके अंदर ये क्वेश्चन मार्क आए कि मुझे कुछ करना है और एक ऑलरेडी वो बच्चे हैं जिनको करना है रिसर्च, तो उनके लिए वो प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है ऐसे ही? प्लेटफॉर्म दोनों के लिए है, एक रिसर्च माइंड्स जिनका ऑलरेडी रिसर्च माइंड है ऑब्वियसली एक प्लेटफॉर्म है, उनको भी काम करेंगे, वो जो नॉन रिसर्च माइंड है वो इंस्पायर होंगे। इंस्पायर कैसे होंगे? जब हम ये चीजें मेन स्ट्रीम पे लाएंगे अपनी कंट्री में, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर इस तरह के शोज नहीं आते जिसमें साइंस को प्रमोट किया जाए और रिसर्च को प्रमोट किया जाए। जब ये चीजें आप मेन स्ट्रीम पे दिखाएंगे, और बेसिकली इसका जो एम है वो ऐसे ही है, मतलब शो को लॉन्च करने का, कि देखें एक कोई भी एक इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें एकेडमिक जो जो एडवांसमेंट हो रही होती है, जो जो रिसर्च हो रही होती है, वो जनरल पब्लिक को पता नहीं होती हो क्या रहा है एक्चुअली, इनोवेशन कौन सी हो रही है। तो ये इस शो का मकसद भी यही है कि हमने ये जो गैप है ये फिल करना है, कि ये वाली जो चीज जो इनोवेशन हुई है एक जगह पे वो जनरल पब्लिक तक जाए कि ये काम हो रहा है मुल्क में और ये रिसर्च है और ये नया प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर। इसके अलावा क्या है इसका और एम शो को स्टार्ट करने का, लॉन्च करने का, वो ये है कि हमने यंग माइंड्स को फर्दर इंस्पायर करना है कि वो रिसर्च की तरफ आए, अट्रैक्शन एक तरह से पैदा करनी है कि ये, ताकि वो कंट्री के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करें जो रिसर्च ले, क्योंकि हम बहुत पीछे हैं रिसर्च वाइज दूसरी कंट्रीज के इन कंपैरिजन। बिल्कुल ठीक है। एक तो बहुत अच्छा काम आप करने जाने, सबसे पहले तो हम आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आप इतना बड़ा इनिशिएटिव लेकर जो है पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा एक और सवाल ये बनता है कि खास करके अब यहाँ से लोग अब्रॉड चले जाते हैं, तो क्या अब्रॉड से भी लोगों को यहाँ बुलाया जाएगा इस चीज़ के लिए? अच्छा देखिए, हमारे जो बहुत सारे अभी राइटिंग के कोर्स हम अभी लॉन्च हम कर चुके हैं, ठीक है, तो उसमें राइटिंग सिखाने के लिए हमने बाहर जो लोग यहाँ से पीएचडी करने के लिए गए हुए, और कई ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं, वो लोग वर्चुअली कनेक्टेड होंगे, तो ये तो पहला स्टेप है। अब उनका क्या प्रॉपरली वो वापस आ जाएं तो उसके लिए तो वो तो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन हम जितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनको हम मैक्सिमम यूज करेंगे। जो भी मतलब ऑडियंस है देखने वाली, वो उनको चाहिए कि मतलब अपने बच्चों को इस तरफ लेके आए रिसर्च की तरफ, उनको फर्दर मोटिवेट करें और हमारे जो इनिशिएटिव है उसके बारे में उनको बताएं, ताकि स्टूडेंट्स जो है ना टूवर्ड्स रिसर्च आके पाकिस्तान के प्रॉब्लम सॉल्व करें और वो फ्यूचर साइंटिस्ट बने। ये बहुत एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसमें हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो रिसर्च जर्नल्स की तरफ भी है, कि हम इंशाल्लाह अपना रिसर्च जर्नल भी बनाएंगे एक दिन, और एक दिन हम, क्योंकि ये दुनिया कोलैबोरेशंस पे चलती है, तो हम विद कोलैबोरेटिंग विद डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट वन डे हम अपने रिसर्च लैब्स और अपनी रिसर्च सेंटर्स पाकिस्तान में बनाएंगे इंशाल्लाह। जी सर, आपसे भी लास्ट मैसेज देना चाहेंगे और आखिर में एक और बात पूछना चाहेंगे, अगर आपके पास कोई स्टूडेंट आना चाहता है तो वो कैसे आपको अप्रोच करें? अगर कोई हमें अप्रोच करना चाहता है तो आपने रिसर्च माइंड, हमारा सोशल मीडिया पे हमारी प्रेजेंस है और अभी वेबसाइट पे भी काम चल रहा है, तो सोशल मीडिया के थ्रू किया जा सकता है। और जहाँ तक मैसेज का ताल्लुक है तो बस रमज़ान के हिसाब से बस आप ये जहन में रखें कि जो इस्लाम है वो दीनुल फितरत है और इल्मुल फितरत जो है वो साइंस है, तो अगर आप जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो आप जो है वो साइंस की फील्ड में आ गए, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत एक उम्दा चीज़ है। बस इसी पे थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ेगा। सलमान साहब, ये छोटा सा गिफ्ट आपके लिए एचके पॉइंट्स, आप बैठे बैठे को समझना है एचके पॉइंट की जानिब से, मार्केट पॉइंट की जानिब से छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। थैंक यू सो मच।